they are having a right to implement something, क्योंकि हर एक को पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, प्रेसिडेंट भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी। प्रेसिडेंट सिंगल कैंडिडेट है, अथॉरिटीज ज्यादा हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज इलेक्ट हर हिम और हिज और हर, ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट जो भी प्रेसिडेंट की को चूज करते हैं वो हमारे एमपीज और एमएलएज चूज करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स द विन ऑफ विन द इलेक्शन। जो भी कैंडिडेट हमारी प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े होते हैं उनको भी नंबर ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है एमपीज और एमएलएज से। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। This ensure that she claims only a nominal executive. आप जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास executives हैं, जितने भी हमारे MPs, MLAs हैं, they are having a right to choose the president. इसमें किसी भी तरह का कोई सोर्स, कोई पावर या कुछ सोर्स नहीं चलता है। The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, इसी तरह से हमारी जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको साफ दिखाई देगा, यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। सारे काम प्रेसिडेंट कर सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक जज ने किसी को पनिश कर दिया और उसको फांसी की सजा सुना दी, प्रेसिडेंट उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज हैविंग अ होल सोल इन चार्ज। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज अप कर दीजिए, जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं। Take place in the name of the president, वो सब president के ही नाम से की जाती हैं। All laws and major policies, decision of the government are issued in her name. जितने भी law, rules, regulations, powers, duties, ये सब president के नाम से issue किए जाते हैं। All major appointments are made in the name of the president. The appointments which are related to the administrative jobs, वो भी president ही decide करते हैं। These include the appointment of, इसके साथ साथ हमारे पास include होते हैं the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Court of the state. ठीक है, तो ये सब President ही choose करते हैं। President के हाथ में ही power होती है कि कौन कौन से judges को appoint किया जाएगा। The election commissions, ambassadors of the other countries, etc. तो total रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया कोई भी कैंडिडेट कुछ गलत करता है तो प्रेसिडेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर। ऑल इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड अरेंजमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपके पास जब आता है वर्क ऑफ प्रेसिडेंट और एक्टिविटीज ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप इसको कम से कम आपके पास 10-12 पॉइंट आएंगे जो अलग अलग लाइन में इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। तो प्रेसिडेंट, वर्क ऑफ प्रेसिडेंट एंड वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों में से एक आपके पास जरूर आता है। बट वी शुड रिमेम्बर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ नहीं करते हैं।
प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से डिस्कस करते हैं, अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग लोगों से डिस्कशन किया जाता है। जो हमारी कंट्री से रिलेटेड मैटर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया जाता है। जो हमारे स्टेट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया जाता है। जो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा के साथ डिस्कस किया जाता है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ प्रेसिडेंट भी बाउंडेड है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उनको एक बार डिस्कशन करना होता है, डिसीजन उनका हो सकता है लेकिन उनको बैड गुड और बैड के लिए एक बार डिस्कशन करना जरूरी है। सिमिलरली अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू इट। जब इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स के सामने एक बिल आता है, यानी कि किस तरह से एक नए रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो लोकसभा और राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर ये सब आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन फाइनल स्टैंप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही लगाते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उस इम्प्लीमेंटेशन को कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या उसको एज इट इज पास कर सकते हैं। कुछ समय के लिए उसको डिले कर सकते हैं, ठीक है, उस बिल को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो एज इट इज सिग्नेचर कर सकते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। अब आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा, ये आश्चर्य हो रहा होगा कि वास्तव में प्रेसिडेंट का काम क्या है, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही नाम आता है, प्रेसिडेंट का नाम गिनी चुनी जगह आता है। क्योंकि प्रेसिडेंट को हम सारी रिपोर्ट्स देते हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स यानी कि मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर यानी कि वाइस प्रिंसिपल, ये सब लोग काम करते हैं। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवाइस होती है हमारे ट्रस्टीज की, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव की, हमारे डायरेक्टर्स की, जो हमें दिखाई नहीं देती। टीचर्स को नहीं पता होता, टीचर्स को ये लगता है प्रिंसिपल इज डूइंग एवरीथिंग, बट प्रिंसिपल के ऊपर भी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सब काम इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिंसिपल तो सिर्फ आपके टीचर्स के सामने हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे देश का सिनेरियो है कि प्रेसिडेंट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं और प्रेसिडेंट उसको सही और गलत को बताकर उसको स्टैंप लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और उस काम को आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, बेटा जी कभी भी प्रेसिडेंट का काम हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है। अब यहां पे आ रहा है बेटा, सो यू कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। अब वो कह रहा है जो भी प्रेसिडेंट है क्या वो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो करते हैं अपनी मर्जी से, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कोई कॉलिएशन पार्टी है, कॉलिएशन पार्टी होती है मिलीजुली सरकार, जब दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं अपोजिशन पार्टी से, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, और दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोट मिलते हैं तो सरकार उन्हें मिलीजुली सरकार बना देती है और दोनों को इक्वल राइट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन उसमें शर्त यह होती है कि दोनों को इक्वल राइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते, एक दूसरे की परमिशन दोनों को लेनी जरूरी होती है। प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कॉलिनेशन दैट एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। आप प्रेसिडेंट के अंडर में लोकसभा मेंबर्स और द राज्यसभा मेंबर्स जो भी हैं वो जिसको भी मेजोरिटी मिलती है वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जिसको सपोर्ट देगा उसे नेचुरल सी बातें अपनी पावर बढ़ी हुई महसूस होती है। Till here everything is clear both of you? Any yes. question you want to ask? Arit Prachi, any question? No, sir. next pe aa jaiye beta. Arit, next page.
When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, अब वो कह रहा है किसी भी पार्टी को या कॉलिनेशन को अगर लोकसभा की मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस हर डिस्क्रेशन. द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु इज हर ओपिनियन दैट मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. अब अगर लोकसभा का कोई भी मेंबर्स प्रेसिडेंट को सपोर्ट नहीं करता है तो प्रेसिडेंट इज हैविंग अ पावर टू अपॉइंट द न्यू मिनिस्टर्स. इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. अब यहाँ पर इस कंडीशन में प्रेसिडेंट एक नए प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने के लिए डिस्कस करता है क्योंकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए होता है जो हमारे देश के बेटरमेंट के लिए काम करे. तो यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कभी भी चेंज कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के वर्क पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा देश के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. तो ये बहुत सारे काम हमने पढ़े प्रेसिडेंट के और एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर के. इन दोनों में से एक क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में जरूर आता है. व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट या राइट सम वर्क्स अबाउट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर. चॉइस में भी आ जाता है कई बार ये. नेक्स्ट पैराग्राफ. अरित गोयल नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा जी. यस सर ओपन कर दीजिए. ज्यूडिशरी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ज्यूडिशरी आई थिंक ये आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है. नो सर अभी 4 पेजेस हैं. 4 पेजेस हैं कोई बात नहीं है. ज्यूडिशरी मतलब जजेस. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नॉर्मल कोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. विदाउट द कोर्ट विदाउट द जजेस वी आर अनेबल क्योंकि पुलिस का काम होता है सिर्फ चोर को कैप्चर करना, बाकी कोर्ट का काम होता है पनिशमेंट देना. क्योंकि कोर्ट को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है इफ एनीवन is doing a wrong activity, so you are having a right to give the punishment to him or her. Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. सबसे पहले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ से हमने मेमोरेंडम की बात की थी, यानी कि नोटिस की बात की थी, जिस तरह से हमारे पास गवर्नमेंट डेली के कई सारे मेमोरेंडम्स को इंट्रोड्यूस करती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जो कुछ हमें पता चलते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं और कुछ हमें पता नहीं चलते जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ही होते हैं. दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. इस समय हम अपनी स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. इस समय सिर्फ हम अपना एक इमेजिनेशन की किस तरह से अलग अलग स्टोरीज को हमने डिस्कस किया. रिमेम्बर द स्टोरी केम टू सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया वो हर एक के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन. अब आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उसमें बताया गया है कि अगर ये सिचुएशंस आपके सामने आए तो क्या हो सकता है. इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते, किसी का भी खून करते, किसी के मन में कोई टेंशन नहीं होती, कितने कोर्ट केसेस चल रहे होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कोर्ट केसेस का कोई फायदा नहीं था, एडवोकेट की जॉब्स का कोई फायदा नहीं था, ना तो वकील होते, ना ही जज होते, और ना ही चोर किसी टेंशन में होता. इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन टू द गवर्नमेंट. अब वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अगर होता लेकिन जज के पास कोई पावर नहीं होती कि वो कुछ कर सके. चोर ने चोरी कर ली, डकैत ने डकैती कर ली, खूनी ने खून कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जज बैठे हैं, जज कह रहे हैं जा बेटा जा, तूने खून करा कोई बात नहीं, मुझे गवर्नमेंट ने भी कोई पावर नहीं दी है कि मैं तुझे पनिशमेंट दे सकूं. वो हाथ किया जज का खून ऑल कर देगा. तो ये सब चीजें ऐसी दी गई हैं आपको कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नॉर्मल कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े.
क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतने क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स का डिसीजन करने के लिए वी आर नीडेड द जजेस, एंड इफ वी आर नीडेड द जजेस तो वी आर नीडेड अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर जजेस विल सिट एंड टेक द डिसीजन. नेक्स्ट पॉइंट, even if it had the power, if no one trusts the Supreme Court to give a fair verdict, वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से पावर दी जाती बट कोई भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करता तो वहां केस ही दायर नहीं होते, केस ही अप्लाई नहीं होते. अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती. इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, if those who appealed against the government order did not accept the judgment, kyunki agar hum fair judgment nahi karenge, partiality karenge, paise lekar ek taraf ho jayenge, galat ki taraf ho jayenge, to koi hum pe vishwas nahi karega aur kisi bhi tarah ke government order ya judgment ko accept nahi kara jayega jo supreme court ya koi si bhi court aapko provide kar rahi hai. to hame ज्यूडिशरी पार्ट दिया गया है गवर्नमेंट ने, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का. हर शहर में अलग अलग कोर्ट्स होती हैं, हर केस से रिलेटेड अलग अलग जजेस होते हैं. हमारे घर में आपस में प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई हो रही है तो सिविल कोर्ट के जज हैं, ठीक है. कहीं डिवोर्स को लेकर हो रही है, कहीं मैरिज को लेकर हो रही है, कहीं हमारे पास जमीन जायदाद को, पैसे को, किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस हैं जिसको हमने अलग अलग हिसाब से यानी कि गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है. और गवर्नमेंट ने जजेस को ऐसी पावर्स दी हैं कि जज की बात अगर जो एक बार लिख गई वो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अलावा. नेक्स्ट पॉइंट, this is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies. jab hamara desh azad hua, hamara desh democratic hua, independent hua, tab se hamare paas judiciary powerful aayi, kyunki log puri tarah se jo hain pareshan ho rahe the apne desh ki arthvyavastha ko lekar, corruption introduce ho raha tha, to supreme court, high court, normal court sab introduce kiye gaye. All the courts at different level in the country put together are called the judiciary. हमारे देश में जब सारे courts अलग अलग different level के हैं, लेकिन जब सबको साथ मिला दिया जाता है तो उसको judiciary कहा जाता है. Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation. High Court, Supreme Court जो है वो पूरे nation को यानी कि पूरे देश को control करता है. High Court state wise होता है, district court and the courts at local level. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सम अदर कोर्ट जो मैंने अभी आपको बताए वो लोकल लेवल पे. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा. सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन से रिलेटेड, हाई कोर्ट स्टेट से रिलेटेड, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड नॉर्मल कोर्ट्स आपके लोकल लेवल से रिलेटेड, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ द जुडिशरी कहलाते हैं. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन all other courts of the country. it can take up any disputes between citizen of the country. agar hamare desh ke kisi bhi logo ke beech mein koi problem aati hai, hamari government aur hamari public ke beech mein koi problem aati hai, to hamare paas jo hai ye court hamari help karta hai. next point, between two or more states government, अगर दो स्टेट्स के गवर्नमेंट के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, ये आपको कंडीशंस दे रखी हैं कि कौन कौन से कंडीशंस में हमारे पास जो है हम कोर्ट्स को अपील कर सकते हैं. इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स
अब जुडिशरी में जो इंडिपेंडेंस है यानी कि जो हमारे जज हैं उनको फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने हिसाब से केस को समझ के सब पहलुओं को देखकर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके जजेस हैविंग अ पावर टू टेक द डिसीजन, लेकिन वो किसी एक बात को सुनकर ही डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें दोनों बातों को सुनना पड़ता है और जब तक उनको किसी बात हर बात का सबूत नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो आगे केस को पोस्टपोन कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है और जब उनको हर चीज का ठोस सबूत मिल जाता है अपने केस के फाइनल डिसीजन पे पहुंचकर केस को फाइनलाइज करते हैं। प्राची क्या ये बता सकती हो कि जब कोई भी जज कोई केस का फाइनल डिसीजन लेता है तो उसके बाद वो उस पेन के पॉइंट को क्यों तोड़ देता है? चेट कैसे तोड़ देता है? पेन, जो पेन से वो डिसीजन लिखते हैं उसके पॉइंट को तोड़ देते हैं, वो पेन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा क्यों? सिर्फ ताकि वो डिसीजन फॉलो किया जाए, मतलब वो आगे चेंज ना हो सके फाइनल डिसीजन। और अरे आप बताओ बेटा सर ऐसा मार्क जी बेटे बेटा जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है चलिए हम बताते हैं आपको। सर एज द केस इज ओवर एंड नो मोर डिस्कशन विल बी डन ऑन दिस केस एंड ओनली द प्राइम प्रेसिडेंट्स अलाउड टू चेंज इट। नो, जितने भी जज हैं वो अपने डिसीजन के बाद उस पेन के पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस पेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि ये माना जाता है, देखिए हर केस में किसी ना किसी को पनिशमेंट जरूर मिलती है क्योंकि दो कैंडिडेट होते हैं तो दोनों में से एक तो दोषी पाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का मानना ये होता है, हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है कि जिस पेन से किसी के खिलाफ किसी के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिखा गया है, किसी को उस पेन की वजह से सजा हुई है, ना वो पेन होता ना उसके लिए सजा लिखी जाती, ठीक है, तो उस कलम से उस पेन से दोबारा किसी को पनिशमेंट ना दिया जा सके, किसी का नसीब ना लिखा जा सके, इसलिए उस पॉइंट को उस पेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। Got it? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। जी बेटे सर अभी जब थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर जब जज एक डिसीजन दे देता है तो उसके बाद सिर्फ से प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकता है, प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है, तो क्या जज नहीं चेंज कर सकता उसे प्रेसिडेंट? नहीं बेटा, जज ने अगर एक बार अपने पेन से कुछ लिख दिया तो वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसने डिसीजन सही लिया हो चाहे गलत लिया हो। और एक चीज और, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, अगर जज का डिसीजन लिया हुआ गलत पाया जाता है, ठीक है, तो उस जज के अगेंस्ट भी काम मतलब जो है कंप्लेंट की जा सकती है और वो जज को रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको डिसमिस किया जा सकता है अगर उसका डिसीजन गलत पाया गया तो। इसीलिए बेटा ये सारे अलग अलग कोर्ट्स हैं, जो लोकल कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, जो हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है अलग अलग कोर्ट्स इसीलिए हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट, देखिए हाई कोर्ट आगे बड़े बड़े कोर्ट्स में आदमी जब जाएगा जब उसको पता होगा कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तभी वो अपील करेगा। अगर वो खुद गलत होगा तो वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगा क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि अगर सबूत मेरे खिलाफ निकला तो मैं और उल्टा फंस जाऊंगा, क्योंकि जितनी ऊंची कोर्ट में आप जाते जाएंगे आपका पनिशमेंट भी बढ़ता चला जाएगा और आपके ऊपर की पेनल्टी भी बढ़ती चली जाएगी। लोकल कोर्ट ने अगर आपके ऊपर 10-20 हजार रुपए की पेनल्टी कर दी है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे लाखों में पेनल्टी हो जाती है और पनिशमेंट भी ज्यादा हो जाता है। Okay.
Independence of the judiciary means that it's not under the control of the legislative or the executive. The judge do not act the direction of the government or according to the wishes of the party in power. कोई भी जज जो है गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता है. प्रेसिडेंट उसको अपने हिसाब से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जजेस के हाथ में इतनी अथॉरिटी होती है. जजेस फ्री होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, नॉर्मल कोर्ट का हो, उसको ये पावर दी रखी होती है कि जहां भी जो भी केस में उसको सही लगता है विद प्रूफ्स, ठीक है, वो डिसीजन ले सकता है. लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये पावर है, अगर किसी भी केस में उनको कोई डाउट लगता है तो वो सारी फाइल्स चेक करने के लिए जो है जज से किसी भी वक्त मंगवा सकते हैं और जज को अपने पास बुला सकते हैं और जज को उनके सामने पेश होके क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि उन्होंने इस केस में डिसीजन क्यों लिया. पूरा पूरा क्लेरिफाई करके फाइल में लिखना होता है और लिख के जो है वो रखना होता है, जिससे कि इनकेस आपने सुना होगा अपनी लाइफ में या आपके पेरेंट्स से आप पूछिएगा, कई कई साल पुराने केस दोबारा से खुल जाते हैं. 10-10, 20-20 साल पुराने केस दोबारा से खुल जाते हैं. एक केस बंद हो जाता है, वो केस किसी के अगेंस्ट होता है, लेकिन जब बाद में किसी को पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति ने गलती नहीं करी थी लेकिन अननेसेसरी इसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो दोबारा से उस केस को खुलवाया जाता है. दोबारा उस पर सब जांच होती है, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है. और अगर वो कैंडिडेट जो बेचारा जेल में है उसकी गलती नहीं है तो अपोजिशन पार्टी को पनिशमेंट और जो है पूरी तरीके से पेनल्टी दी जाती, फेस करनी पड़ती है. और जिस जज ने जो डिसीजन लिया था, गलत डिसीजन लिया था, उस पर भी कार्रवाई होती है और जज के पास भी लेटर जाता है, कंप्लेंट लेटर जाता है, और उसको जॉब से रेस्टिकेट भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जज का काम आसान है, लेकिन हाँ जज की जॉब बड़ी बेहतरीन होती है, बहुत बेहतरीन होती है. मैंने 3 साल एक जज के यहाँ ट्यूशन पढ़ाया है, डिस्ट्रिक्ट जज थे मुरादाबाद में, अब तो ट्रांसफर हो गया. बहुत ही सॉलिड जॉब होती है. 12 से 16 सर्वेंट मिलते हैं 24 घंटे के लिए आपको. आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ भी, यहाँ तक कि आपको गाड़ी में बैठने के लिए भी एक कैंडिडेट मिलेगा जो आपके लिए गेट खोलेगा और गेट बंद करेगा. 12 to 16 सर्वेंट्स मिलते हैं आपको आपकी लाइफ के साथ, जिनकी सैलरी गवर्नमेंट पे करती है. सिर्फ आपको ऐश करनी होती है, बंगला, बिजली, पानी, सब चीजें फ्री, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, और सैलरी 2-2.5 लाख रुपए महीना. ऐश की जॉब है. सैकड़ों काम तो नाम से ही हो जाते हैं, कहीं पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. बोले जी जज है. चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आइए. कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो डिस्कस करते हैं चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के. अगर किसी केस में वो उलझे हुए होते हैं, कोई केस में कंप्लेंट होती है, किसी केस में प्रॉब्लम होती है. इन प्रैक्टिस इट नाउ मींस दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. अब जो जज रिटायर हो जाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जज की पोस्ट ऐसी है जो 62 ईयर्स में रिटायरमेंट लेती है. गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जज की पोस्ट ऐसी है जो 62 ईयर्स में रिटायरमेंट होता है. बाकी सारी पोस्ट में पहले 60 ईयर्स में होता था, 58 ईयर्स में होने लगा है. लेकिन उसके बाद भी जो जज रिटायर हो जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, एक तो वो लोग नए जजेस को अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट टीम में रख लिया जाता है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है इतने साल का, तो वो न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं. और दूसरी चीज, अगर कभी भी गवर्नमेंट को किसी डिसीजन केस में उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी है कि आप पुराने जजेस के साथ मीटिंग कर सकते हो, पुराने जजेस से डिसीजंस डिस्कस कर सकते हो और उनको जो है गवर्नमेंट पे करती है, उसके लिए फैसिलिटीज देती है उसके लिए सारी. कुछ जजेस तो ऐसे हैं जो अपने वर्क को कंटिन्यूटी में रखते हैं रिटायरमेंट के बाद भी.
there is very little scope for interference by the political executive. जज में, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. लेकिन आज की डेट में करप्शन के टाइम पर पैसा सबसे बड़ी चीज है. आज की डेट में जो गरीब है बेचारा, चाहे उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, वो फंस जाता है. और आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिचेस्ट टू रिचेस्ट हैं, उन्होंने अगर कोई गलत काम कर दिया, मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो किसी गरीब को बेचारे को पैसे देकर उसकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए दे देते हैं और उसको फंसा देते हैं. बोले कि मेरा इल्जाम तू अपने ऊपर ले ले, और वो पैसे के चक्कर में बच जाते हैं, सारे सबूत तो उसके खिलाफ रख कर दिए जाते हैं. तो सब चीजें हैं, फेयर डीलिंग भी है, अनफेयर डीलिंग भी है. ये नहीं कहूंगा कि सारी अनफेयर डीलिंग है, लेकिन आज की करप्शन के दौर में फेयर और अनफेयर दोनों ही तरह की डीलिंग सोसाइटी में चल रही है. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. Once a person is appointed a judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from this that position. जब एक बार Supreme Court और High Court का जज अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसको उस पोजिशन से हटाया नहीं जाता. एक चीज और बता दूं आपको बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ये बाउंडेशन होती है कि वो जहां भी जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी अगर जाएंगे तो उन्हें बता के जाना होता है. किसी के साथ नॉर्मल एक किसी कैंडिडेट के साथ फोटोग्राफ नहीं खिंचवा सकते, किसी पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जा सकते, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि फोटोग्राफ, अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति के साथ फोटोग्राफ खिंचवा लिया और वो कभी इन फ्यूचर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया और वो फोटोग्राफ सामने आ गया, तो ये माना जाता है कि वो जज भी इनके साथ मिला हुआ था. तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बाउंडेशन होती है कि जितने भी जजेस हैं, चाहे वो किसी भी कोर्ट के हों, उन्हें अपने आप को बहुत लिमिटेड सोसाइटी में एडजस्ट करके चलना पड़ता है. हर जगह हर किसी के साथ जो है नहीं मिक्सअप हो सकते. इट इज एज डिफिकल्ट टू रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आप जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना आसान नहीं है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करना आसान नहीं है. ये जज कैन बी रिमूव ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन. हम एक जज को सिर्फ और सिर्फ उसके मेंटल होने पर, उसके रिटायर होने पर, उसकी खुद की विश से कि वो जल्दी प्री रिटायरमेंट लेना चाहता है, या उसकी डेथ पर उसको हटा सकते हैं. बस ध्यान से सुन लीजिए, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव कर सकता है. एक जज अगर मेंटल लेवल को मिस कर दे, यानी कि वो पागल हो जाए, तो वो जॉब से जाएगा. डेथ हो जाए तो जॉब से जाएगा. कोई क्राइम कर दे तो जॉब से जाएगा. या उसको प्री रिटायरमेंट लेना हो, उसकी अपने वेश है कि वो काम नहीं कर सकता, मेडिकल केस है, तो वो अपनी जॉब से जो है रिजाइन कर सकता है. तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारे सामने आती हैं. बाकी गवर्नमेंट का कोई भी कैंडिडेट जजेस को उनकी जॉब से नहीं हटा सकते. नेक्स्ट पैराग्राफ. A judge can be removed only by the impeachment motion passes separately on 2/3 members of the two houses of the parliament. आप देखिए, वो आपसे कह रहा है कि जज को हटाने का काम, अगर हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स उस जज के अगेंस्ट हैं, 2/3 मेंबर्स, कम से कम 2/3 मेंबर्स, तब हम उस जज को हटा सकते हैं. अगर वो भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि हम उस जज को क्यों हटा रहे हैं, उनके खिलाफ हमें क्या ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हैं. It has never happened in the history of Indian democracy. लेकिन आज तक कभी भी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने मिलकर किसी जज को उनकी पोस्ट से रिमूव किया हो. The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. इंडिया की जो जुडिशरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑनेस्ट मानी जाती है, और सबसे ज्यादा जो है परफेक्ट मानी जाती है. यानी कि इंडिया में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरी दुनिया में परफेक्टली फेमस है. The Supreme Court and the High Court have the power to interrupt the constitution of the country. Country के किसी भी मसले में Supreme Court और High Court जो है participate कर सकता है. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against. अब वो कह रहा है, अगर लोकसभा राज्यसभा के कुछ members ने कोई law start करने की कोशिश की है, किसी rule में कोई changes किए हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी होती है, अगर वो रूल उनको समझ में नहीं आता है, अगर वो लॉ उनको समझ में नहीं आता है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा के भेज सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट,